स्वच्छकार समाज की आवाज में मैं डॉक्टर कौशल कंवर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, स्वच्छकार समाज की आवाज एक ऐसे लोगों की आवाज है जो समाज में खासकर सफाई कर्मचारियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। चर्चा की इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं नेपाल से विजय माली जी। विजय माली जी से हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं, लेकिन नेटवर्क और कनेक्टिविटी की समस्या होने के कारण हम विजय माली जी की पूरी चर्चा आप सबके सामने नहीं ले पाए थे। आज उन चर्चा का दूसरा भाग हम बातचीत करेंगे विजय माली जी से। विजय माली जी, आपका स्वच्छकार समाज की आवाज पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, जय भीम जी। विजय जी जी जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो सफाई कर्मचारियों की स्थिति है नेपाल में, वो कैसी है? क्या उनके साथ उसी तरीके से व्यवहार होता है जो समाज में, खासकर भारत में? हमारे यहाँ तो स्वच्छकार समाज का या जो सफाई पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ बहुत एक तरह से छुआछूत भी बरता जाता है कहीं ना कहीं। क्या आपके नेपाल में भी ऐसी स्थिति है? सबसे पहले नमस्कार। जो आप मुझे बोलने की मत दिए कि बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। मैं परिचय तो बोल चुका हूँ, परिचय बोलू कि इसके बारे में जी। मेरा नाम हुआ विजय मोम, यानी घर पाल हुआ रौतहड़े में, जो बिहार के को नजर पड़ता है हम सब। और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तुम समुदाय की उत्थान भी करता हूँ और गवर्नमेंटली भी जॉब करता हूँ हेल्थ वर्कर में, और मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ। तो आप बड़ी अच्छी बात है जो यहाँ सफाईकर्मी का सर सफाई कर्मी के बारे में, तो यहाँ पे नेपाल हमारे स्वास्थ्य सर सफाई में काम करना बहुत सारे हैं, और अरे यहाँ नगर पालिका में और शहर में प्राइवेट लेकर सरकारी तक हमारे समय में सर सफाई में काम करते हैं। और यहाँ पे सर सफाई को जैसे पे भी छुआछूत है, और सर सफाई कर्मचारियों को जो तलब तनख्वाह जो होना चाहिए सैलरी, वो सैलरी यहाँ पे कम है। मतलब किसी का 8,000 नेपाल है, किसी का 10,000 नेपाली है, किसी का 15-12 है, 14 है, इस तरह का यहाँ पे तलब तनख्वाह पगार मिलता। और जो सफाई दिन मेहनत कर वो कचरा साफ करते हैं यहाँ पे, वैसा प्रोत्साहन नहीं मिला यहाँ पे। वो कर्मचारी के साथ भेदभाव हो रहा है, वो श्रम को शोषण कहा है यहाँ पे। नीच भी काम कर सर सफाई कर रहा है, कचाप कर रहा है, लेकिन उसके अनुसार यहाँ पे तनख्वाह नहीं मिल रहा। दूसरी बात यह है कि सफाई कर्मचारियों के साथ में भेदभाव भी करते हैं लोग, छुआछूत भी है। कर्मचारियों ऊपर डूम है, ये सर सफाई करता है, इधर है, फलाना है, ये चिलाना है, वो वैसा कहकर भी है। और कोई किसी का वैल्यूएशन यहाँ पे सफाई कर्मचारी के नहीं ऐसे होना चाहिए, कोई हेबता आदर भाव भी नहीं यहाँ, और तनखे भी नहीं है, वैसा होना चाहिए। वो बहुत एकदम पेट चल मुश्किल है उठा से, सफाई का काम करने पर तनख्वाह ज्यादा चाहिए कि 5,000 नेपाली से 10,000 नेपाली से क्या होने वाला है। अभी यही बात है जी। मैं ये जानना चाह रही थी कि महिलाओं की स्थिति फिर कैसी है वहां पर, मतलब महिलाओं को किस तरीके का सामना करना पड़ता है समस्याओं का, खासकर सफाई कर्मचारी महिलाएं? देखिए, सफाई कर्मचारी जो महिला है यहाँ पे, महिला पे तो ज्यादा नहीं काम करते हैं, कुछ कुछ महिला ही परसेंट में कुछ करते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ भी यहाँ कहा जाए तो यही जैसे पुरुष का है जैसे महिलाओं को भेदभाव है। काम भी वैसे करना पड़ता है, टाइम भी देना पड़ता है, और तनख्वाह भी है, कोई फर्क नहीं है। यौन विषा भी हो जाते हैं यहाँ पे महिलाओं के साथ भी, कर्मचारी को जो डोम समाज के हो या समुदाय के और भी काम करते हैं सफाई कर्मचारियों को
तो महिलाओं के यहाँ पे बेसी नहीं रखा है, बल्कि पुरुषों यहाँ पे मतलब वो सफाई रखते हैं, महिला भी है लेकिन वो नहीं है जैसा चाहिए आधार पे। नेपाल में मधेश है ना, एक मधेश यहाँ पे कल्ट है जो महिला ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं सफाई में या नौकरी नहीं करती है, और पहाड़ एरिया हमारे नेपाली जो है सब रहते हैं पहाड़ एरिया जो, वहाँ की महिला बहुत ज्यादा काम कर, पुरुष महिला भी काम करते, और दलित को जहाँ देखे वो भेदभाव है ही है, उसमें कमी है महिला पुरुष, तो यही बात है। अच्छा मुझे ये पूछना था आपसे कि शैक्षिक स्थिति वहाँ कैसी है, यानी कि मतलब क्या ज्यादातर जो सफाई पेशा जो लोग हैं जुड़े हुए उनके बच्चे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पढ़ाई मतलब शिक्षा का स्तर कैसा है? जी विजय सुन रहे हैं आप मेरी बात? शिक्षा का पढ़ने का पढ़ाई कितना प्रतिशत होगी आपके सफाई कर्मचारी समुदाय में, मतलब क्या शिक्षा के स्तर है? जी थोड़ा रिपीट कीजिए एक बार और, थोड़ा बात को नहीं पाए, थोड़ा रिपीट कीजिए। हाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो सफाई कर्मचारियों के परिवार हैं उनके बच्चे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं, मतलब कितने लोग हैं ऐसे जो एजुकेशन की तरफ गए हैं, हैं कुछ परिवार जो इस पेशे को छोड़ते हैं जो दूसरे काम करते हो और स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाते हो? देखिए यहाँ पे सब कर्मचारी है तो मतलब तो उतने तनख्वाह में तो अपने पालने के लिए होते हैं जी, तो बच्चों को भी पढ़ा नहीं पा पाते, सच्चे सरकारी पढ़ते कुछ मुझ पढ़ पा रहे लेकिन जो पढ़ना नहीं है वो नहीं पढ़ सकता है क्योंकि काम भी होगा तो भरेगा, और बच्चे लोग भी काम में हैं हमारे यहाँ समाज डोमसम में या दलित में जो है वही कहता है कि बच्चों को भी काम में लगाओ, बच्चे भी काम में लगते हैं और तब पेट भरे तो पढ़ना बहुत दूर की बात है। सरकारी स्कूल में कभी पढ़ता है ले दे के तो 8 तक पढ़ती है उससे ज्यादा नहीं सकता है, और रात कॉलेज के तो हमारे समुदाय में कॉलेज को बहुत मुश्किल से जाते हैं, मतलब पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, जो ज्ञान है जिस पास वो पढ़ लेता है, जो मजबूरी है वो मतलब समस्या है तो पढ़ने बहुत दिक्कत है। ऐसे में अपना ही बात कहे तो हम बहुत मुश्किल से पढ़े, अपने जिला में हम मिले हैं और हमारे माता पिता भी वही जो पुराने पैसे वो पैसे की बांस के काम कर और जो सुगोते हैं पर खाते, तो पढ़ना के बहुत सहयोग पढ़ा, बहुत सारे को सारे लोग मुझे हेल्प किया, तो यहाँ पे मैं भी दे रहा हूँ समाज के अपने घर जाकर मिला मोटिवेट करता काउंसलिंग करता हूँ कि पढ़ाओ लिखाओ जागरूक करो, यहाँ पे बहुत मुश्किल है, और हमारे समुदाय मतलब यहाँ पे सफाई भी करते हैं और उस पेट न भरने पर और भी काम जोड़ते हैं, पार्ट वो भी काम करते हैं घर में भी काम करते हैं, और उसके साथ साथ अन्य स्कूल होए कॉलेज होए कोई सर सफाई में कोई ऑफिस होए उसमें करते हैं पेट पालने के लिए मजबूरी है। और कहा जाए तो यहाँ पे हम रहते हैं जहाँ शिक्षा एकदम जीरो है, बहुत नाजुक अवस्था है, जो हम इस जिला में पहले पढ़े लिखे हैं और पढ़ रहा है हम शुरुआत कर रहे हैं बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं एक वादा किया हूँ कि मैं एकदम समाज को बढ़ाऊंगा, आप सबको सहयोग लेकर नेपाल सहयोग लेकर आप भी ये समाज को बढ़ाऊंगा मेरा उद्देश्य है, तो बहुत मुश्किल है हमारे समाज में शिक्षा देना खाना मजबूरी भी है, घर नहीं रहने के लिए घर भी नहीं है, अपना जमीन नहीं है ठोकर खाना पड़ता है जहाँ रहना पड़ता है,
झुपड़ियों में आना पड़ता है, दर का ठोकर खाकर माज नहीं कह पाते हैं, कहीं से भागता है वहां जाता है फिर वहां रहता है, बहुत से यहाँ पे है। विजय जी आपका जो प्रयास है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है और आप इसमें लगे रहिए। मुझे लगता है कि अगर एक भी परिवार आपकी काउंसलिंग करने से सुधरता है तो ये शायद आपके जीवन की सफलता होगी। धन्यवाद। हाँ, मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि आप लगे रहिए, डटे रहिए और अपने कर्तव्य को ऐसे ही निभाते रहिए। जरूर आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्तित्व आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला जरूर मिलेगा, जो आपके कामों को भी आगे बढ़ाएगा और आपका साथ भी देगा। धीरे धीरे परिवर्तन आता है, जो सोशल चेंज है वो एकदम सोशल चेंज नहीं आता, उसमें समय लगता है। जैसे भारत में दलितों की जी एकदम वो धीरे धीरे परिवर्तित हुई है, हम उसको नकार नहीं सकते। आजाद भारत के बाद स्थितियों में परिवर्तन आया है। आज हमारे विद्यार्थी इस कम्युनिटी से स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज में और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। उन्होंने इस मूल पेशे को छोड़ा है जो इनके ऊपर एक तरह से थोपा गया था, इस पेशे को छोड़कर आगे बढ़े हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका अपना समाज और तमाम जो अपने स्वच्छकार समाज के लोग हैं वो धीरे धीरे इस पेशे को छोड़ के एक सम्मानजनक पेशा अपनाएंगे और खूब मेहनत करेंगे, शिक्षा की तरफ जाएंगे, जो संवैधानिक अधिकार है वो अधिकार भी उन्हें मिलेंगे। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, आप जिस तरीके से समाज में परिवर्तन का काम कर रहे हैं मैं आपको सल्यूट करती हूँ। विजय जी बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद समय दिया और इतनी दूर से हम लोग आज कनेक्टिविटी में आपके दूसरे भाग में बातचीत के इस दूसरे भाग में हम आपसे बातचीत कर पाए। मैं बहुत बहुत स्वच्छकार समाज की आवाज की तरफ से और तमाम दर्शकों की तरफ से आपको धन्यवाद देती हूँ और आपके लिए शुभकामनाएं देती हूँ। आप समाज के लिए जो काम कर रहे हैं वो बहुत धन्यवाद। देखिए सोशल मैं जानती हूँ कि पॉलिसीज से बदल जाता है, अगर पॉलिसीज गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसी हो तो सोशल चेंज आता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सोशल चेंज उन पॉलिसीज के माध्यम से तब तक चेंज का एक कारक नहीं बनता जब तक समाज में परिवर्तन स्वीकार ना किया जाए। भले ही कितनी भी पॉलिसी बनाई जाए लेकिन समाज अगर उन्हीं चीजों पर अड़ा हुआ है तो लाख कोशिश कर लीजिए आप परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप समाज को इस तरीके से बदलने का काम करेंगे तो समाज आपके कामों से प्रभावित होकर, आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, आपके काउंसलिंग से प्रभावित होकर परिवर्तन की तरफ बढ़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आप हमेशा लगे रहिए, जब भी हमारी जरूरत होगी मैं कोशिश करूंगी कि आप जब चाहें, अगर आपके आपकी कोई समस्या अगर चैनल के माध्यम से मैं उठा पाई अपने डोम समुदाय के बच्चों के बारे में या तमाम हमारे स्वच्छकार समाज के भाई बंधुओं के बारे में, अगर चैनल के माध्यम से मैं जरा सा भी सहयोग कर पाई तो मैं आपके साथ हूँ। विजय जी आप मुझे तब जब चाहे तब मैसेज कर दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार जी। एक बात और मेरे तरफ से। हाँ जी जी मैं लाइफ में बात में बोलना चाहता हूँ। बोलिए। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मुझे इतने दूर होकर मुझे सपनों में नहीं कहे सोचते कि ऐसे बोलने के बाद मिलेंगे, लेकिन आप जो बोलने के बाद दिए मैं खुश हूँ, मैं बहुत आभार हूँ। और जो आप मिले तो मेरा भी आत्मा और भी हिम्मत बढ़ा, क्योंकि हिम्मत कर आपको हौसला आप कला में बहुत प्रति लगे हुए और समाज से धन्यवाद भी का है। और जैसे बहुत बात है और जैसे सोच नहीं मिलता सुनाई नहीं दे रही सोचकर बहुत मुझे लगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपकी आवाज लास्ट वाले वर्ड मेरे तक नहीं पहुंच पाए, कनेक्टिविटी की समस्या है, नेटवर्किंग की समस्या, लेकिन मैं आपकी भावना समझ रही हूँ, हम आपके साथ हैं जी। थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो हाँ विजय आवाज नहीं सुनाई दे रही और भी कुछ आवाज नहीं आ रही आपकी।
हाँ मैं आपके साथ संपर्क में रहूंगी जी, थैंक यू विजय।